तो देखो अभी 2023 चल रहा, कुछ ही महीने के बाद में नए आईफोन्स आने वाले हैं, आईफोन 15 सीरीज, और इस बार बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ नए चीज़ें हम देख सकते हैं, स्पेशली आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स या अल्ट्रा जो भी इसका नाम होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें, कुछ नए फीचर, काफ़ी कुछ अपग्रेड्स हम देख सकते हैं प्रो मॉडल्स के अंदर में। और अभी अगर आप देखेंगे आईफोन 14 प्रो 1,20,000 के आसपास में मिल रहा और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,30,000 1,28,000 के आसपास में मिल रहा है। अगर इन आईफोन्स को लेने का आपका प्लान है, आप ये बाय करने जा रहे हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। माय नेम इज इम्तियाज, यू आर वाचिंग एप्पल एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एप्पल रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के। देखो आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स परचेज अभी आप कर लेते हैं और पता चला कि जो आईफोन 15 प्रो 15 प्रो मैक्स है उसके अंदर में काफी कुछ मेजर अपग्रेड्स आए हैं और जो प्राइसिंग भी है करंट प्राइसिंग से 10 से 12,000 15,000 ही डिफरेंस है जो आपने आईफोन अभी लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। ठीक है, 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, काश मैं अगर रुक जाता और मैं एक्स्ट्रा देके ले लेता तो मेरे को नए आईफोन जो है मिल जाते और काफ़ी कुछ नए चीज़ें मिल सकती थी, बट आपने एक बार जब ले लिया तो उसके बाद में बेचेंगे तो भी इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कम आएगी। और ऑब्वियसली जब नए आईफोन्स आते हैं तो पुराने आईफोन डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स, उसकी प्राइसिंग भी कम हो जाती है और मार्केट में ज़्यादा लोग उसको प्रीफर नहीं करते, लोग जाते हैं जो नए आईफोन्स आए हैं लाइक आईफोन 15 सीरीज के साथ में। अगर आप ये ना परचेस करके 4 महीने अगर आप वेट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपको काफ़ी कम प्राइसिंग होगी, जैसे ही 15 लॉन्च होगा तो प्राइसिंग कम होगी। आपको मैं बताता हूँ कि उसके नेक्स्ट महीने में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आती है और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है। जो iPhone 14 Pro जो अभी आपको 1,20,000 का मिल रहा है, वही iPhone आपको 90 से लेकर 95,000 में देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि तकरीबन 20 से 25,000 का प्राइस डिफरेंस हो जाएगा अगर आप 4 महीने वेट करते हैं। तो नेक्स्ट हो गया iPhone 14 Pro Max जो भी 1,30,000 के आसपास में, 28,000 के आसपास मेरा, वही iPhone आपको 1,05,000 से लेकर 1,10,000 तक मिल सकता है। ये तो क्या पहला बेनिफिट अगर आप रुकते हैं तो। अगर आप रुकते हैं और आपको iPhone 15 के जो फीचर्स आए हैं नए हैं वो पसंद आ जाते हैं तो और 10 से 12 15000 जो भी इसकी एक्स्ट्रा प्राइसिंग होगी, ऑब्वियसली प्राइसिंग इस बार बढ़ने वाली है iPhone की, क्योंकि काफ़ी कुछ मेजर अपडेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप जो है जो 15,000 रुपये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं वो वर्थ भी रह सकता है, क्योंकि जो फीचर्स आएंगे उसको अगर आप सेटिस्फाई हैं तो वो आप iPhone 15 Pro 15 Pro Max ले सकते हैं। नहीं, अगर आपको iPhone 15 पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो वही iPhone 14 Pro 14 Pro Max तकरीबन 25 से 30,000 के प्राइस डिफरेंस के साथ में अभी जो है आप ले सकते हैं। अगर आप वेट कर, अभी नहीं मतलब कि जब 4 महीने वेट करेंगे, अभी के हिसाब से आपको डिफरेंस जो है 20 से 25,000 के आसपास में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये नॉन प्रो मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, एप्पल की प्रोडक्शन भी जो है रोक देगा और जो मार्केट में आईफोन है जिसके पास ज्यादा स्टॉक है और वो उसको क्लियर करने की सोचेंगे और उसके ऊपर काफी अच्छे आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो वेट करना आपके लिए दोनों तरफ से बेनिफिट है। और काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये प्राइसिंग जो है पॉसिबल नहीं हो सकती, तो लास्ट ईयर की मेरी जो वीडियो देख लेना बिग बिलियन डे सेल के अंदर में, जो आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स जो 1,20,000 1,30,000 के थे, वो आईफोन्स आपको जो है 90 से लेके 95,000 के आसपास मिल गए थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जाके वो वीडियो आप जो है मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं या कहीं पे भी आपको जो है वो जो वीडियो है वो मिल जाएगी। और iPhone 15 से रिलेटेड जो भी नए लीक्स है, जो भी अपग्रेडेशन, जो भी जो है आने वाला है फीचर्स वगैरह, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और इस महीने के एंड में ना नेक्स्ट महीने तक मेरे को जो 20,000 का सब्सक्राइबर का जो गोल है वो कंप्लीट करना है, तो आई होप आप लोग ये जो गोल है उसको अचीव करने में काफ़ी मेरी हेल्प करेंगे।